हेलो एवरीवन वेलकम टू रारा दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ लॉरियाल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सिरम के विषय में और इसको मैंने फोर मंथ पहले स्टार्ट किया था यूज़ करना एंड नाउ इसकी पूरी बॉटल जो है वो फिनिश हो चुकी है और मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था एक शॉपिंग हॉल उसमें मैंने ये परचेज किया था तो आप यहाँ देख सकते हैं अब इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है मैंने आपको इसके विषय में वैसे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी बट आ, यू नो ये पूरा ऑलरेडी फिनिश करने के बाद इसको रीपर्चेज किया है इसका कोई मतलब होगा तो मतलब ये है कि सबसे पहले तो इसकी आप पैकेजिंग देखो ये बेहद खूबसूरत प्रीमियम कांच की पैकेजिंग में आता है जो कि बहुत ही लग्जोरियस लगती है बेहद खूबसूरत लगती है उसके अलावा ये ऑल हेयर टाइप प्रोडक्ट है फोर नाइन नाइन रुपीज इसकी एमआरपी है और ये इतने अमेजिंग टेक्सचर के साथ में आता है तो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाला हेयर प्रोडक्ट है ये हेयर केयर प्रोडक्ट एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये एक ऑयल है और सेरम भी है यानी कि ये लाइट वेट है नॉन ग्रीजी है बहुत ही अमेजिंग बाल कर देता है नरिशमेंट देता है बालों को लेकिन बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं आती और अगर आपके मेरे जितने लंबे बाल हैं या घने बाल हैं तो दो से चार ड्रॉप सफिशियंट हैं और अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको सिर्फ दो ड्रॉप की ही जरूरत होगी बेस्ट पार्ट है इसका जो इसमें ऑयल एक्सट्रैक्ट का जो ब्लेंड है इसमें सिक्स ऑयल्स हैं जैसे कि लोटस रोज ट कैमोमाइल सनफ्लावर एंड इसके अंदर है फ्लैक्स तो ये सारे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट हैं ये बालों को डीप नरिशमेंट देते हैं एंड ये रेयरली किसी भी सेरम में मुझे आ, मिले नहीं जो कि इसमें है तो ये परफेक्ट ब्लेंड मेरे बालों को सुपर स्मूद रखता है करंटली एक चीज़ और मैं कहना चाहूंगी कि बालों को ये बहुत ही फास्ट इंस्टेंट मैनेजेबल बनाता है क्योंकि पैकेजिंग जो है इतनी अच्छी है इसकी सहायता से ट्विस्ट एंड टर्न करके प्रेस करके आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो और इसको आप ट्रैवल में इजीली कैरी कर सकते हो सबसे अच्छा है कि इंस्टेंट बालों बालों को अगर मैनेजेबल बनाना है तो यस आप इसके एक से दो ड्रॉप लीजिए और आपके बाल नॉन स्टिकी मैनेजेबल फ्रिज फ्री हो जाएंगे साथ में नरिशमेंट भी होगा तो मैं आपको क्लियरली बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर भी अभी दिखाऊंगी आप इसका ऑल डे टेस्ट ले करके देख सकते हैं आठ से दस घंटे बाल बहुत अच्छे से मैनेजेबल रहते हैं और क्या चाहिए आपको तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो यहाँ पर कभी कभी जब मैं हेयर है, मास्क अप्लाई करती हूँ और उसके बाद जब यहाँ पर ये जो छोटे बाल है ना बेबी हेयर जिन्हें बोलते हैं तो ये जब इस तरीके से ऐसे खड़े होने लगते हैं तो खराब लगता है और ये प्रॉपर मैनेज नहीं होते लाइक प्रॉपर सिल्की सिल्की सा लुक नहीं आता हालांकि मेरे बाल इतने स्मूथ इससे ऑलरेडी हो गए हैं मैंने इसे गीले बालों पे लगाया था कि फिंगर्स से यूं ही निकल रही है बालों से बट कोई ना अब मैं क्या करने वाली हूँ मैं ज़रा सा कॉम हल्का सा करने वाली हूँ और आपको दिखा दूँ कि थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेबी हेयर लाइक जब बाल रीग्रोथ कर निकलते तो छोटे छोटे होते ही हैं सर में और लेकिन ये खड़े हुए ऐसे अच्छे नहीं लगते आप खुद ही देख लो है ना क्लियरली तो मैं क्या करने वाली हूँ सिर्फ इसके दो ड्रॉप लेने वाली हूँ तो यहाँ पर एक एरो का निशान बना है आप इसको ऐसे टर्न कीजिए और इस तरीके से जस्ट दो ड्रॉप मैंने ली है सिरम की एंड अपने बालों पर ऐसे अप्लाई कर लिया है और दोनों हाथों से इतना जेंटली मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ कि मेरे बालों में इंस्टेंट शाइन ऐड करता है बहुत ही हल्का बालों की लेंथ पर ही अप्लाई करें और अगर आप बालों के लेंथ के अलावा स्कैल्प में अप्लाई करेंगे तो थोड़ा ऑयली हो सकता है क्योंकि ऑयली स्कैल्प ऑलरेडी होती ही है हमारी कहीं ना कहीं दो से चार दिन के बाद हल्की ऑयली होने लगती हैं इसलिए सेरम को सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे अप्लाई करिए और ये एक्स्ट्रा शाइन ऐड कर देगा इसके यूजेस की मैं बात करूं तो इसको आप बिफ़ोर शैम्पू आफ्टर शैम्पू एंड uh, बिफोर ब्लो ड्रायर लाइक अगर आपको हीट से प्रोटेक्शन करना है अपने बालों का तो ऑफकोर्स आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आप मॉडलिंग लाइन में हैं या फिर uh, कोई भी आप डेली यू uh, नो you know, अच्छे से हीटिंग टूल इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो ऑफ ऑफकोर्स आपको अपने बालों को सुरक्षित रखना चाहिए बचाना चाहिए और अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया पूरी तरीके से एंड बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है सी अब मैं कंघी कर रही हूँ एंड क्लियरली मेरे बालों में जो शाइन है वो साफ साफ नज़र आ रही है बिल्कुल और बहुत ही ईजीली ये जो बेबी है होते हैं ना ये मैनेज हो जाते हैं और आप अगर पोनी बना रहे हो कोई भी आप हेयर स्टाइल कर रहे हो बहुत आराम से आप इससे अपने बालों को मैनेजेबल कर सकते हैं क्विकली एंड फास्ट सी मैंने अपने बालों को इंस्टेंटली सेट कर लिया है एंड आप शाइन तो देखो मेरे बालों की क्लियरली एक चीज मैं बताऊं इसमें ना फ्रेगरेंस बहुत ही माइल्ड एंड अमेजिंग सी जो फ्रेगरेंस है वो आपके बालों से भीनी भीनी जो खुशबू आएगी आपको खुद ही अच्छा लगेगा डेली रूटीन आपको पता है कि वेदर चेंज होने को है और वेदर कोई भी हो आ, लेकिन सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला वेदर जो है वो परेशान करता है हमारे बालों को भी तो भाई ह्यूमिडिटी का वेदर हो मानसून वेदर हो गर्मियां हो लू चल रही हो चाहे जितनी भी आ, सर्दी हो ऑल वेदर के लिए मुझे ये जो मेरा हेयर श्रम है ये बिल्कुल परफेक्ट क्ट लगता है सो so, आप किसी भी वेदर में बिना झिझक के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एंड नो डाउट आपको बहुत ही जल्दी मैनेजेबल बाल मिल जाएंगे तो इससे अच्छा और क्या है अगर आप कोई हेयर स्टाइलिंग भी कर रहे हो पोनी भी कर रहे हो बेहद आराम से आप इसको अप्लाई करिए एंड आपकी प्रॉब्लम तुरंत जो है वो सॉल्व uh, हो जाएगी बाल तुरंत से जो है वो मैनेज हो जाएंगे तो ओवरऑल ये काफी अच्छा है रही बात ऑल डे इसको वियर करने की तो देखिए मैं एक बात बता दूं आपको मैं तो इसको मुझे तो इसको जरूरत भी नहीं पड़ती है हल्के गीले बालों पर ही मैं इसे अप्लाई करती हूं एंड उसके बाद में आ, मुझे उतनी नीड नहीं होती है ऑल डे या फिर दो तीन दिन तक बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा हेल्दी uh, पहले से भी हैं और इसको अप्लाई करने के बाद ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा देर तक मैनेजेबल रहते हैं सो so, मुझे कम इस्तेमाल uh, करने की ज़रूरत पड़ती है लाइक like, एक बार लगाया एंड हो गया दैट्स इट या कहीं जाना है बहुत ही लाइक like, पार्टी वगैरह में थोड़ा शाइन चाहिए बालों में तो अप्लाई करना है एंड दैट्स इट इसके अलावा और कुछ मुझे बार बार इसे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो so, ये पैकेट भी लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है लाइक like, इसका जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है हंड्रेड एम ये काफ़ी भी काफी दिनों तक चलने वाली है और आपको बहुत पसंद आएगा एंड जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी चर्चा यूं ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो रही है क्योंकि ये एक्चुअली बालों को बहुत ही ज्यादा शाइनी कर देता है और आप इसको एज अ ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं लाइक like अगर आपको आपके बाल अर्ली मॉर्निंग मैनेजेबल और फ्रिज फ्री चाहिए और नरिश्ड चाहिए तो आप इसको रात में एज अ ऑयल भी अप्लाई करके बालों पर सो सकते हैं ऑयल बहुत लोगों को लगाना पसंद भी नहीं होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं चिपचिपाता तो है ही और सबसे अच्छा ये है कि अगर आप इसमें इसको नाइट में अप्लाई कर रहे हो तो आपका पिलो बिल्कुल नहीं खराब होने वाला है लाइक like, ऑयल से थोड़ा स्टिकी हो जाता है ऑयल लग भी जाता है जिससे हमारे फेस पर भी कही न कहीं ना कहीं ऑयल आता है बट इसके साथ ऐसा नहीं है सो so, यस yes, आप भी इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा एंड डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं ये अमेजिंग है ऑयल फ्रॉम लॉरियाल पेरिस एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों और इसके अलावा मेरे चैनल पर आप और भी लॉरियाल पेरिस की अमेजिंग वीडियोज चेक कर सकते हैं एंड जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ उनके विषय में इंस्टाग्राम पर शेयर करती हूँ तो वहाँ जरूर फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इफ़ यू वॉन्ट नरिश्ड लाइट वेट सिल्की सॉफ्ट शाइनी एंड फ्रिज फ्री मैनेजेबल है यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस दोस्तों थैंक यू सो मच बाय बाय